तो इसमें क्या मोटर में क्या करना था? मोटर का डायग्राम था ना? मैंने कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम कहा बनाने को? अरे तो वो सिंपल रेक्टेंगुलर कॉइल, इतने डायग्राम तो मैथ्स में भी बनाते हो। अभी बनाओ कॉपी, ठीक है बैठ। यस, डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर में अनलेस एंड अंटिल आप कॉइल के फोर्सेस शो नहीं करते हैं कंप्लीटली, तो आई हैव डिडक्टेड हाफ मार्क फॉर नॉट शोइंग द फोर्सेस, ठीक है, हाफ मार्क फॉर नॉट शोइंग द फोर्सेस। और फोर्स बताएगा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, प्रिंसिपल ऑफ मोटर क्या है, कीवर्ड बताया था ना टॉर्क, तो उससे आपको याद आ जाएगा टॉर्क का प्रिंसिपल। आप बताओ What is the principle of torque, this motor? Torque से तो याद ही आ जाएगा। हम स्विच ऑन करते हैं फैन रोटेट करने लग जाए टॉर्क लगता है। हाँ, when current is passed through a coil placed in a magnetic field, a torque acts on it that rotates the coil. This is the principle. ठीक है? Then आगे क्वेश्चन ये भी था, राघव आप बताओ इन विच डायरेक्शन फोर्स ऑन आर्म एसी विल एक्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच आर्म एसी विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, विच रूल वी विल अप्लाई टू फाइंड दैट फोर्स एंड टेल मी द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, वी डिस्कस्ड इट लास्ट वीक, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलो अप्लाई करो टॉप आर्म पे, tell me, stretch करो first three fingers, tell me where is the force, all of you apply, apply the rule yourself और बताइए क्या है, stretch करो first three fingers left hand की। हाँ चलो, किधर है magnetic field, north to south, four finger इधर कर दी, ठीक है, अब where is current, AC arm में, हाँ अब इसको किधर करूं मैं मिडल फिंगर, इसको कहाँ रखें, सेंट्रल फिंगर को कहाँ रखें, बताओ, ये ऑलरेडी इधर है, ऐसे कर दूं, पैरेलल, हाँ हाँ परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, तो ऐसे नहीं कर सकते, तो फिर कैसे, किधर नीचे, ऐसे, ये तो मुझे ऐसे नहीं लग रहा, व्हाट शुड आई डू, सीधा करो इसको, हाँ बताओ आप, इसमें देखो मैंने कौन बताया था लास्ट टाइम डिस्कस किया, पर क्यों जाएगा, व्हाट इज द रीजन, व्हाट्स द रीजन व्हाई यू आर मेकिंग द मिडल फिंगर डायरेक्ट दिस साइड, ऐसे है, ये इधर है ना, हाँ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स तो लग ही रहा है, ये देखो इसका रीजन है, आई टोल्ड यू कि आर्म एबी इज इन द बोर्ड, ये बाकी का कॉइल यहाँ पे सी डी, ठीक है, द कॉइल हैज बीन केप्ट लाइक दिस, तो ये ए बी पॉइंट है, ये सी डी पॉइंट, so if AC आर्म में करंट फ्लो कर रहा है तो इधर को आ रहा है हमारी, ये हमने शो बोर्ड पे ऐसे किया है, इट इज कमिंग लाइक दिस, तो आप मिडल फिंगर को इधर रखोगे अपनी तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर इधर है हॉरिजॉन्टल, सो सी व्हाट इज द थंब डायरेक्टिंग टुवर्ड्स, इट इज गिविंग द अपवर्ड, सो फोर्स इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और इस आर्म में सिर्फ करंट ऑपोजिट है, the force is acting in the downward direction, so they are equal and opposite, they cancel out each other, so that's why we don't even mention during the working day what is the force on arms of AC and B, we don't even mention it, okay,
क्योंकि इसका रीजन ये है कि ये एक ही लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग है तो इक्वल ऑपोजिट है कैंसिल कर देते हैं. बट व्हाट अबाउट फोर्सेस एफ1 एफ2 दे आर एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन सो दैट्स व्हाई दे डोंट कैंसिल आउट. ठीक है we have a current carrying circular loop predict the direction of magnetic field at points p and v predict the directions of magnetic field at point p and v p or q pe magnetic field ki direction kya hai who will tell yes करंट ये रहा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा लूप. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी एंड क्यू पॉइंट्स हु नोस पी और क्यू दोनों में पी में मैम ऐसे जाके वहां से आएंगे ऐसे नहीं लिखेंगे कैसे लिखेंगे कैसे ऐसे वैसे तो नहीं लिख सकते हो आओ गिर Anyone? आप इसको स्ट्रेट ज़ूम करके मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे तो अब कर्ल करो फिंगर्स को स्लो मोशन इस पॉइंट से फिंगर्स अंदर को जा रही है डाउनवर्ड और थंब की इस साइड से फिंगर बाहर आ रहा है सो आउटवर्ड हियर डाउनवर्ड और इनवर्ड गॉट इट ये क्लॉकवाइज हम इसको करेंगे ना जब थंब ऊपर है तो हम फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे तो इस साइड पे जो पॉइंट है वहां से फिंगर डाउनवर्ड जा रही है और इस पॉइंट से आउटवर्ड बाहर सो हियर इट इज आउटवर्ड्स और अपवर्ड्स एंड हियर इट इज इनवर्ड्स और डाउनवर्ड्स सो दिस इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब दिस इज ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड And an alpha particle is moving like this. In which direction will it experience a force? Alpha particle. In which direction will this alpha particle experience a force? Which rule first of all? Which rule we will use? रूल इज दिस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगेन चलिए बताइए फिर क्या होगी हाँ वो मोशन है ना अल्फा पार्टिकल उस डायरेक्शन में जा रहा है यस ऋषित मैम इनवर्ड्स एक सेकेंड आई कांट हियर यू वेट हाँ बोलो मैम इनवर्ड्स लेट्स चेक इट आउट अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वेदर अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव और नेगेटिवली इट इज हीलियम न्यूक्लियस सो इट इज पॉजिटिवली चार्ज तो ये जहां जा रहा है ऊपर वहां करंट जा रहा है ठीक है तो सेंट्रल फिंगर करंट के अलोंग फोर फिंगर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लुक एट योर थंब इट इज इनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज डायरेक्टेड इनटू इट इनवर्ड्स अप्लाई करिए रूल फोर फिंगर दिस साइड अल्फा पार्टिकल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट बिकॉज वेयर द पॉजिटिव पार्टिकल्स आर गोइंग दैट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड थंब इज परपेंडिकुलर इनवर्ड्स सो यस राइट आंसर परपेंडिकुलर इनवर्ड्स Is that fine? ये जो ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट हु विल टेल मी कौन सा वाला स्लिप रिंग वाला स्पिनिंग वाला नहीं
बताओ. हाँ, he gave magnetic field due to current carrying wire or conductor. ठीक है, तो he said that whenever current flows through a wire, it has magnetic effect around it, magnetic field around it, right? तो अगर हम ये वायर है through which we pass current, okay, if we keep a magnetic compass needle vertically below it, we say that it gets deflected, we find the direction using Snow rule. अगर हम वर्टिकली बिलो की जगह कंपास नीडल को वर्टिकली अबव रखें तो विल देयर बी एनी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन? यस, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन विल गेट रिवर्स्ड. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन विल गेट रिवर्स्ड. एंड व्हाट इफ वी कीप द कंपास नीडल नियर इट? इफ वी कीप द मैग्नेटिक कंपास नीडल क्लोज टू इट, नियर इट, हियर, नॉट वर्टिकली बिलो, नॉट वर्टिकली अबव. अगर हम इसके पास रख देते हैं तो होगी डिफ्लेक्शन? होगी. क्यों होगी? पर डायरेक्शन भी तो देखनी पड़ेगी ना. नाउ मैग्नेटिक कंपास नीडल इज पैरेलल टू द करंट, तो अगर ये करंट के पैरेलल है तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगी. सो इट शुड बी केप्ट वर्टिकली बिलो और वर्टिकली अबव. दैट ओरस्टेड आल्सो डिड इन हिज एक्सपेरिमेंट, ही डिडंट कीप इट क्लोज टू इट, ही केप्ट इट वर्टिकली बिलो. कंपास नीडल जो है करंट के पैरेलल हो जाएगी. वही वाला केस नहीं आ रहा था, ये वो हो जाएगा. तो फिर फोर्स तो एक्ट ही नहीं करेगा आपका. जब हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, करंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये आपका अगर प्लेन है, ठीक है, तो करंट उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए. बट हियर आपका कंपास नीडल मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों पैरेलल है. तो एफ फिजिकल टू बिल साइन थीटा भी लगाओ तो साइन जीरो इज जीरो, तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा. ठीक है, सो इट वॉन्ट बी एप्लीकेबल हियर. टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट. फर्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का वो लिखिए अब. वो था कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, चलो फॉर्मूला आप लोगों का ठीक था, ठीक है, बट सेंटीमीटर को मीटर में नहीं कन्वर्ट करते हम. और एक ने लिख दिया आपकी क्लास में, सेम टेस्ट ट्रेवल कर दिया, मतलब कि करंट 10 कहीं मेरे को सब्स्टिट्यूशन नहीं दिख रही, इंटू 10^2 इंटू 10^-2 करके पता नहीं क्या सॉल्व करूंगा. करंट सबसे जो नहीं किया, एक ने गलती कर दी, सारी क्लास ने ट्रेवल हो गई. जो भी 15-20 बच्चों ने अब टेस्ट दे दिया मिला के टोटल, सब में ऑलमोस्ट यही मिस्टेक हुई. 5 out of 5 किसके आए? अब म्यू नॉट की वैल्यू है 4π × 10^-7, करंट इज 10, 2π, रेडियस है 0.05 मीटर, नॉट इन सेंटीमीटर. अभी तक तो आपको पता चल गया है कि हम ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करके पुट करनी है कोई भी वैल्यू. सो दिस इज 2 × 10^-7 × 10 × 100/5, अगर हम इसको 5/100 लिखें. सो दिस इज 2/5 = 0.4, 10^-7 + 1 + 2 + 3 = -4. ठीक है, so 0.4 × 10^-4 is 4 × 10^-5 tesla. तो आपकी मैक्सिमम क्लास का आंसर निकल रहा है 4 × 10^-9. तो क्यों आ रहा है वो? इतनी अगर आपको फॉर्मूला आता है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू रिमेम्बर टू रिकॉल द फॉर्मूला. अगर वो आता है उसके बाद सब्स्टिट्यूशन गलत हो जाए और हमारा आंसर गलत आ जाए तो वो तो नहीं होना चाहिए. So this was the answer. Now it's okay. फॉर्मूले किए ना ये वाले हमने, तो अगर उस फॉर्मूले को अप्लाई करके सॉल्व करने का पूछ लिया तो इसमें क्या बड़ी बात है. राइट, अनदर क्वेश्चन नाउ. हैव यू डन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी
एट द सेंटर ऑफ अ सोलिनॉइड. Calculate magnetic field intensity at the center of a solenoid of length 2 meter. At the center of a solenoid of length 2 meter having 5 layers. Having 5 layers of 200 windings each. Windings. Having 5 layers. Of 200 windings each. If a current of 3 ampere is passed through it. If a current of 3 ampere is passed through it. Yes. Kya formula hai? Magnetic field at center of solenoid ka. क्या है B is equal to नहीं यार तीन फॉर्मूले किए हैं स्ट्रेट वायर जो अभी हमने यूज किया म्यू नॉट आई ओवर टू पाई आर सर्कुलर वायर के सेंटर में म्यू नॉट आई ओवर टू आर और थर्ड था सोलेनोइड कैरिंग करंट म्यू नॉट एन आई इट वाज डिपेंडेंट अपॉन टू फैक्टर्स नंबर ऑफ टर्न्स एंड अमाउंट ऑफ करंट पता है ना. So strength of magnetic field depends upon two factors that we justified according to this formula. So ye formula tha. B is equal to mu naught ni. But what is n here? Number of turns per unit length. It was not just turns. It was number of turns per unit length of the solenoid. Now how many turns are there? Five layers and in each layer there are 200 windings or turns. So total number of turns is 1000 over length of the solenoid. So the number of turns per unit length is 500. Mu naught is 4 pi into 10 raised to power minus 7. Number of turns is 500 and current is 3 ampere. Solve this and you will get this answer in Tesla. This is how you can do it. मतलब आंसर लिखोगे यहाँ पे हाँ जी म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 म्यू नॉट म्यू म्यू नॉट तो कांस्टेंट है ना नहीं वैल्यू हो सकता है ना आगे मैंने तो इसलिए हम लर्न कर ही सकते हैं. मैग्नेटिक फोर्स इट एक्सपीरियंसेस अ मैकेनिकल फोर्स सो दिस फोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक्शन ऑन कंडक्टर कैन बी एक्सपीरियंस्ड थ्रू किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट. इन किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट अ स्ट्रेट वायर विद अ फ्लेक्सिबल कनेक्शन एट इट्स अपर एंड hangs between the poles of a U-shaped magnet and dips into a small pool of mercury in a depression cut. The mercury, taking of mercury is not necessary. This experiment can be done with or without mercury. Experiment is provided so that the current may be adjusted to the minimum value required to place the magnetic force. Proper circuit is made. On closing the key K, the current flows through downwards, flows downwards, and the hanging wire swings forwards. This causes to leave the mercury and break the circuit. The fire falls back, remakes contact with the mercury, and the action is repeated. If the battery connections are reversed so that the current flows up the wire, the direction of the force on it will be reversed and it will now swing backwards out of the mercury. The direction of the force on the wire may be reversed by turning the magnet
over so that the direction of the magnetic field is reversed. It will be noticed that initially the current and the magnetic field and the direction of force are mutually perpendicular to each other. Also, the deflection in the wire is due to the fact that a current carrying conductor behaves like a bar magnet when current is passed through it, so that when two magnets are nearer to each other, they attract or repel each other. This experiment can be illustrated through Fleming's left-hand rule. Ma'am, I want to share one video about this also. Yes, you can share. तो फोर्स लगा उस पर, देखा आपने, ऐसे हो गई ना। वो देखो अब डिफ्लेक्शन और ज्यादा होगी, व्हेन शी इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स तो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन और ज्यादा होगी, एज इफ द वायर इज किक्ड। Here we can see that the when we are exchanging the direction of the current, the direction of force, the conductor is moving in the changes.